चलिए शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में जहां अपन ने छोड़ा था, आपने टाइप कोहेजन पढ़ लिया था, ये भी डिस्कस हो गया था कि जेएस के अंदर जेएस एरिथमेटिक ऑपरेटर के लिए क्या करती है। जल्दी, जेएस एरिथमेटिक ऑपरेटर के लिए क्या करती है? चेक करती है दी गई वैल्यू स्ट्रिंग तो नहीं है कहीं। अगर स्ट्रिंग है तो फिर दूसरे ऑपरेंड को भी स्ट्रिंग बनाती है, लेकिन बाकी ऑपरेटर्स में अगर आप स्ट्रिंग भी देते हैं तो जेएस उसे कन्वर्ट करती है इनटू अ नंबर। याद है? राइट? अगर याद है तो मुझे इन दोनों का आंसर बताइए। जेएस में क्या होगा? वन प्लस डबल कोट्स में टू, वन मल्टीप्लाइड डबल कोट्स में टू। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आएगा 12, जो एक्चुअल में 1 और 2 का कंकैटिनेशन है, और इसका आंसर 2। जेएस इस 2 को भी कन्वर्ट कर देगी इनटू अ नंबर। ये हमारा लास्ट पॉइंट था जो अपन ने डिस्कस करा था, जिस टॉपिक का नाम था टाइप कोहेजन। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपने ऑब्जर्व करा होगा, जब जेएस में आप वैल्यूज प्रिंट करते हैं तो जेएस पॉइंट के बाद डेसिमल डिजिट्स दिखाती है। यस और नो? है ना, हमेशा दिखाती है? नहीं, हमेशा नहीं दिखाती है, ये भी एक प्रॉब्लम है। आप 10 अपॉन 4 करिए तो जेएस बोलेगी 2.5, एक ही डिजिट दिखाएगी। लेकिन आप 10 अपॉन 3 करिए तो फिर जेएस बोलेगी 3.333333 मल्टीपल टाइम्स। अब अगर आपको लगता है आपको ये बिहेवियर कंसिस्टेंट करना है, मैं चाहता हूं जब आए दो ही डिजिट आए डेसिमल पॉइंट पे, आफ्टर डेसिमल पॉइंट दो ही डिजिट आए, चाहे वो 10 अपॉन 4 हो तो 2.50 बन जाए और 10 अपॉन 3 हो तो 3.33 बन जाए। राइट? मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए। तो अगर आपको कंसिस्टेंसी चाहिए तो जेएस आपको प्रोवाइड करती है मैथ ऑब्जेक्ट के पास एक मेथड। फिलहाल आप देख लीजिए जेएस कब कब क्या क्या देती है। स्लाइड आपको समझा रही है, अगर आपने 10 अपॉन 3 लिखा तो फिर वो देती है 3.33333। ये कितने डिजिट हैं? गिनने बैठेंगे तो 16 प्लेसेस के आउटपुट हैं ये। राइट? लेकिन जब 10 अपॉन 4 आता है तो एक ही डिजिट आ रहा है। और अगर आप सिर्फ 3.0 को प्रिंट करते हैं तो 0.0 हटाकर सिर्फ 3 दिखा रही है। थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर। अगर आपको लगता है नहीं सर ये 3.00 होना चाहिए, ये होना चाहिए 2.50, ये होना चाहिए 3.33, मतलब मैं चाहता हूं डॉट के बाद दो ही डिजिट आए या तीन ही आए या चार ही आए, कोई एक फिक्स बिहेवियर मुझे चाहिए। अगर ऐसा चाहिए आपको तो फिर आपको जेएस में मैथ ऑब्जेक्ट का मेथड यूज करना पड़ेगा। बहुत सिंपल है, मेथड का नाम है टू फिक्स्ड। लेकिन गौर करिए मैथ का मेथड है। तो कॉल कैसे होगा अगर मैथ का मेथड है? तो ऑब्वियस सी बात है, मैथ का मेथड होने के कारण कॉल मैथ के ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगा के होगा। तो आप मैथ के ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगाएंगे और डॉट से इस मेथड को आप करेंगे कॉल। मेथड का नाम बहुत ही सिंपल है, टू फिक्स्ड। पैरामीटर में आपसे एक नंबर लेगा और ये नंबर क्या गवर्न करेगा, ये नंबर क्या तय करेगा, या ये नंबर क्या डिसाइड करेगा? नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, या जिसे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बोलते हैं प्रिसीजन। प्रिसीजन ही बोलते हैं ना इसको। तो ये डिसाइड करेगा पॉइंट के बाद आने वाले नंबर ऑफ डिजिट्स। अब एग्जांपल्स देखिए, क्लैरिटी मिलेगी आपको। फर्स्ट एग्जांपल, मैंने एक्स के अंदर 10 अपॉन 3 डाला और डिस्प्ले करते वक्त मैंने कह दिया एक्स डॉट टू फिक्स्ड। जैसे ही मैंने कहा एक्स डॉट टू फिक्स्ड, मुझे क्या मिल रहा है? मुझे मिल रहा है पैरामीटर में मैंने 2 पास करा है और मुझे रिटर्न वैल्यू मिल रही है 3.33। 3.33 क्या है फटाफट बताइए, 3.33 क्या है? यहां 0.33 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं टुवर्ड्स राइट। मैंने गलत बोल दिया, सॉरी, मैथ का ऑब्जेक्ट नहीं है, मैथ का मेथड नहीं है, नंबर क्लास का मेथड है। तो आप अपने नंबर रेफरेंस के थ्रू इसे कॉल करेंगे। मैथ का मेथड दूसरा है, फ्लोर है मैथ के पास। राइट, मैथ के पास फ्लोर है, ये टू फिक्स्ड है, तो आप इसे कॉल अपने नंबर रेफरेंस से करेंगे बाय राइटिंग ए डॉट टू फिक्स्ड, बी डॉट टू फिक्स्ड, व्हाटएवर यू वांट टू से। तो जिस भी रेफरेंस से आप इसे कॉल करेंगे, ये आपसे पैरामीटर लेकर
उस रेफरेंस के बाद पॉइंट के बाद कितने डिजिट चाहिए वो डिजिट आपके लिए कंट्रोल करेगा। तो इस वक्त इसे कॉल एक्स कर रहा है, एक्स के अंदर जेएस की तरफ से 3.333335 तक वैल्यू है, आपने बोला है दो तक ही चाहिए तो आपको आंसर मिलेगा 3.33। आ रहा है समझ? ऐसे ही चेक करिए नेक्स्ट वाला है। नेक्स्ट वाले में आपने 10/4 बोला है, जेएस बाय डिफॉल्ट आपको दिखाने वाली थी 2.5 बट आपने बोल दिया 3 तक दिखाओ तो उसने इसको स्ट्रेच करके कर दिया 2.500। नोटिस करिए 3.0 को वो बाय डिफॉल्ट 3 ही दिखाने वाली थी, आपने बोला 2 fixed 1 तो उसने इसको कर दिया 3.0। सो नाउ इट इज इन योर हैंड्स कि आप पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स देखना चाहते हैं। सिंपल है? यस 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 हर्ष, ये तो आपने लास्ट लेक्चर में भी देखा था ना, ये तो आपने लास्ट लेक्चर में भी देखा था ना, जब हमने टू स्ट्रिंग कॉल करा था, जो एस ने इस एक्स को डॉट टू स्ट्रिंग के कारण कन्वर्ट कर दिया था इम्प्लिसिटली ऑब्जेक्ट में, राइट? तो जब जरूरत पड़ती है जेएस डायनेमिकली आपके वेरिएबल्स को बना देती है ऑब्जेक्ट, बट अभी हम ये बात ना करें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि अभी मैंने बताया ही नहीं है जेएस में वेरिएबल्स और ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंस क्या है। हम कैसे कह रहे हैं कि ये जो एक्स है ये एक वेरिएबल है, या कैसे कह रहे हैं कि एक्स ऑब्जेक्ट बनना जरूरी है, तो वो हम पढ़ेंगे वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप, तब बात करेंगे। लेट ए इक्वल टू ओ आई एस टी, टू फिक्स स्ट्रिंग का मेथड नहीं है हिमांशु, स्ट्रिंग में डेसिमल प्लेसेस कहां से होती हैं ये बताओ। तो अगर आपको स्ट्रिंग के ओ आई एस टी में से सिर्फ ओ आई चाहिए तो स्ट्रिंग के मेथड्स कॉल करने पड़ेंगे जो ट्रंकेट करेंगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस कंप्लीट्स आर ऑपरेटर्स चैप्टर। Now let's move on to the next important part, and that is decision control statements in JS. Again, very simple, very easy chapter. आप सब C language के background से हैं, C language में आप conditions कैसे कैसे check करते थे? Very good. If से करते थे और बताओ, switch से करते थे और ternary operator. याद है? तो JavaScript भी आपको if देती है, if else देती है, if else if else देती है, nested if देती है, ternary operator देती है, और JavaScript भी आपको switch देती है। क्या नहीं देती है? Go to नहीं देती है। C में go to था, JS आपको go to नहीं देती है, right? Other than go to, आपके पास if है, ternary operator है और switch है। आगे बढ़े, बिल्कुल कंटिन्यू ब्रेक देती है, बट कंटिन्यू ब्रेक कंडीशन टेस्ट करने के ऑपरेटर्स थोड़ी हैं या कीवर्ड्स थोड़ी हैं, वो तो लूप को ब्रेक करने के कीवर्ड्स हैं ना, ब्रेक या कंटिन्यू करने के, तो वो इसमें थोड़ी आएंगे, वो आगे आएंगे। ये है जेएस का इफ का सिंटेक्स, राइट? बिल्कुल वही है जो आपने सी में पढ़ा है। इफ के बाद पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के अंदर टेस्ट कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो इफ की बॉडी रन होगी, कंडीशन फॉल्स हुई तो बॉडी रन नहीं होगी। और ये कर्ली ब्रेसेस का फंडा क्या है? ये जो कर्ली ब्रेस आप देख रहे हैं ये लगाना जरूरी है हमेशा, हाँ के ना? क्या ये कर्ली ब्रेस का होना जरूरी है? नहीं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि ये कर्ली ब्रेस हो, अगर बॉडी में एक लाइन है तो कर्ली ब्रेसेस ऑप्शनल है। आ रहा है समझ? चलिए नेक्स्ट पार्ट। अब बात आती है इफ एल्स की, मल्टीपल लाइंस होंगी तो कर्ली ब्रेस आएंगे, बिल्कुल जेएस का इफ एल्स भी बिल्कुल सी जैसा है। आप इफ लिखेंगे, इफ के पैरेंथेसिस में कंडीशन देंगे, राइट? कंडीशन ट्रू हुई तो इफ वाला पार्ट चलेगा, कंडीशन फॉल्स हुई तो इफ वाला पार्ट स्किप हो जाएगा और जेएस रन करेगी फिर एल्स वाले पार्ट को। यह भी समझ आ रहा है? बात क्लियर हो रही है? राइट, बिना इफ के एल्स मिलता है जेएस में? आप बताओ चित्रांश, मिलना चाहिए? किसी और लैंग्वेज में मिलता है क्या? तुमने कहीं देखा है?
जहां मिलता हो किसी लैंग्वेज में नहीं मिलता है बेटा, जो बात सिंटैक्टिकली वैलिड ही नहीं है वो कैसे चलेगी। else if भी नहीं मिलेगा बिना if के, आप अगर else if भी लिखोगे तो उसे if चाहिए, खाली else if थोड़ी लिख सकते हो बिना if के, आप else if के लिए भी तो if होना चाहिए। यही पूछना था चित्रान, मुझे लग रहा कुछ और पूछना था, ये तो नहीं पूछना था कि else चाहिए क्या, जरूरी है क्या। इसका जवाब है नहीं, else जरूरी नहीं है, आप if बिना else के लगा सकते हैं लेकिन else बिना if के नहीं लगा सकते हैं, राइट। यही पूछना था, गुड। तो ये जवाब है हाँ, else जरूरी नहीं है, आप बिना else के भी if बना सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट आ रहा है if else if else या nested if ले लेते हैं पहले। अगर nested if का सिंटेक्स आप देखें तो आप if लिखते हैं, if की बॉडी के अंदर एक और if लिखते हैं, कहानी वही पुरानी है, पहले बाहर वाला if टेस्ट होगा, ट्रू हुआ तो अंदर वाला टेस्ट होगा, दोनों ट्रू है तो बॉडी रन होगी, करेक्ट, ठीक है। और if else if else स्लाइड में है नहीं, मैं लिख देता हूं मैनुअली। अगर if else if else का सिंटेक्स आप देखें तो वो भी js में वैसा ही है, आप if लिखकर कंडीशन देंगे या बॉडी देंगे या else if लिखेंगे। else if में कंडीशन चाहिए जल्दी, यस, तो यह else if की टेस्ट कंडीशन होगी, else if की बॉडी होगी और जो लास्ट में बच रहा है वो आप डाल देंगे else में। यहां भी else जरूरी है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, आप if else if बिना else के लिख सकते हैं। बस होगा ये कि अगर if और else if दोनों false हो गए और else आपने दिया नहीं है तो कोड कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा, सही है। आगे बढ़ो, चलिए अब आप ट्राई करिए पहला कोड, लेकिन उससे पहले एक नई चीज और सीखिए। कोड ये कह रहा है आपको यूजर से एक नंबर लेना है और आपको बताना है दिया गया नंबर इवन है के ऑड है। देख पा रहे हैं क्वेश्चन आप, आपको एक नंबर लेना है और आपको ये बताना है नंबर इवन है के ऑड है। लेकिन कोड ये भी कह रहा है कि इस बात का ख्याल रखिएगा कि अगर यूजर ने आपको इनपुट में कोई स्ट्रिंग दे दी, अगर यूजर ने आपको इनपुट में कोई स्ट्रिंग दे दी, जैसे भोपाल दे दिया उसने, अमित दे दिया, हेलो दे दिया, 2A दे दिया, 34A दे दिया, तो आपका प्रोग्राम मैसेज दे यू डिड नॉट इनपुट अ नंबर। आ रहा है समझ? ठीक है, आप सीखिए जेएस में इसको कैसे करते हैं। जेएस के अंदर अगर आपको यह पता करना है कि यह वैल्यू नंबर में कन्वर्ट हो पाएगी कि नहीं, सुनिएगा गौर से, अगर आपको यह पता करना है ये वैल्यू नंबर में कन्वर्ट हो पाएगी कि नहीं, तो जेएस के पास एक फंक्शन है जिसका नाम है इज एन ए एन। नाम गौर से देखिएगा, कैमल नोटेशन में इज छोटा है, एन ए एन बड़ा है। यह फंक्शन आपसे एज एन आर्ग्यूमेंट एक स्ट्रिंग लेता है और रिटर्न करता है आपको ट्रू या फॉल्स। बताइए ये आपको ट्रू कब देगा, जल्दी बोलिए ये आपको ट्रू कब देगा, जब ये स्ट्रिंग नंबर में कन्वर्ट नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, कन्वर्टेबल नहीं है। शाज़िब उल्टा बोल रहे हो आप, उल्टा बोल रहे हो बेटा, फंक्शन का नाम पढ़ो, इज एन ए एन, इज नॉट अ नंबर। तो ये ट्रू कब देगा आपको, जब ये कन्वर्टेबल नहीं है, और ये फॉल्स कब देगा आपको, जब ये कन्वर्टेबल है। इसको कंसोल पे ट्राई कर लें एक बार, इससे पहले कि ये प्रोग्राम बनाएं। चेक करिए, इसको क्लियर कर रहा हूं मैं। मैंने कहा a इज इक्वल टू डबल कोट्स में 25, आप मानते हैं a में स्ट्रिंग है, राइट। क्या a में जो स्ट्रिंग है वो नंबर में कन्वर्ट हो सकती है? तो मैंने इज एन एन से ये बात पूछी, इज एन एन को मैंने पास करा a, जस्ट अ मोमेंट,
राइट ए में दिया मैंने 25, देन आई सेड इज एन एन ए, तो इज एन एन ए को चेक कर रहा है और रिटर्न कर रहा है अपन को फॉल्स, इसलिए हाँ मैं बता रहा हूं उल्टा क्यों है, समझिए इज एन एन ये चेक करता है ये नंबर नॉट अ नंबर है क्या, अगर ये नंबर नॉट अ नंबर है तो ये कन्वर्टेबल होगा कि नहीं होगा, ये नंबर कन्वर्टेबल होगा कि नहीं होगा, नंबर में ये स्ट्रिंग कन्वर्टेबल होगा, और अगर ये पर्टिकुलर वैल्यू कन्वर्टेबल नहीं होगी नंबर में, मतलब ये एक ऐसी स्ट्रिंग है जो नंबर में कन्वर्ट नहीं हो सकती है, तो ये एन ए एन हुआ ना, मतलब ये नॉट अ नंबर हुआ ना, तो अगर ये नॉट अ नंबर हुआ तो ट्रू, अगर ये नॉट अ नंबर नहीं हुआ तो फॉल्स, तो 25 नॉट अ नंबर नहीं है, गेटिंग दिस, 25 नॉट अ नंबर नहीं ना, 25 नंबर है ना, राइट right? मैंने आपको दूसरे वर्ड्स में एक्सप्लेन करा था, इसकी रिटर्न वैल्यू दूसरे टर्म्स में आ रही है, इज एन ए एन का कहना है, अब जैसे आप बताइए भोपाल, क्या भोपाल नॉट अ नंबर है, हाँ, तो ये भोपाल के लिए आपको ट्रू देगा, चेक करिए, मैंने इससे अभी पूछा ए नॉट अ नंबर है, तो इसने बोला नहीं ए नॉट अ नंबर नहीं है, ए इज नंबर है, ऐसे ही मैंने कहा ए इज इक्वल टू भोपाल, करेक्ट, और फिर मैंने कहा इज एन एन ए, अगर अपन इसको पता करते हैं क्या ये भोपाल को कन्वर्ट कर पाएगा, तो ये बोलता है नहीं कर पाएगा, भोपाल इज नॉट अ नंबर, गेटिंग द पॉइंट, तो अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो इज एन एन चेक करता है ये वैल्यू कन्वर्टेबल है कि नहीं है, तो आप बताइए 25 कन्वर्टेबल है, राइट, भोपाल कन्वर्टेबल नहीं है, लेकिन इसकी जो रिटर्न वैल्यू है वो ये देखकर होती है कि जो कन्वर्टेबल नहीं है उसके लिए ये दे देगा ट्रू, जो कन्वर्टेबल है उसके लिए दे देगा फॉल्स, आया समझ, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इज एन एन एक तरह से, लेट मी राइट इट आउट, एक तरह से इज नंबर चेक करता है, अब इज एन एन देखता है क्या 25 इज नंबर है, अगर है तो ये कन्वर्टेबल नहीं, कन्वर्टेबल है, और भोपाल इज नंबर नहीं है तो ये कन्वर्टेबल नहीं है, तो जो कन्वर्टेबल नहीं है ये उसके लिए ट्रू देता है, जो कन्वर्टेबल है ये उसको कर देता है फॉल्स, क्योंकि वो नॉट अ नंबर नहीं है इसलिए फॉल्स, गॉट द पॉइंट, बिल्कुल कर सकते हैं हर्ष, ऐसे भी कर सकते हैं आप एन ए एन, बट याद कीजिए एन ए एन अपने आप में एक वैल्यू है, अननेसेसरी उसको कन्वर्ट करेंगे, नंबर को कॉल करेंगे, इससे अच्छा हम नंबर कॉल ही ना करें ना, हम नंबर को कॉल ही तब करें जब वैल्यू कन्वर्टेबल हो, क्या कहते हैं, है ना, इसलिए इज एन ए एन चेक करा जाता है, तो अब आप मुझे बताइए 2.7 इज एन ए एन में क्या देगा, सभी लोग जवाब दें, अगर मैंने कहा a इज इक्वल टू 2.7 और मैंने कहा इज एन ए एन ए, तो js मुझे क्या बताएगी, फॉल्स के ट्रू, फॉल्स, क्यों, क्योंकि 2.7 नॉट अ नंबर नहीं है, गॉट द पॉइंट,